नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो 20 शेयर्स, इस शो में आपको बताए जाएंगे जो सिर्फ इंट्राडे के लिए होंगे और आप उनमें पोजीशन बना सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, खबरों के दम पर, टेक्निकल पैटर्न के दम पर, फंडामेंटल के दम पर। मेरे साथ कंप्लीट करेंगे संदीप आज। लेकिन मांगे एसजेक्स निफ्टी ऊपर है, लेकिन खबर बड़ी है, नॉर्थ कोरिया ने फिर से मिसाइल दाग दी। बिल्कुल, इनफैक्ट इस बार देखिए रजत, मिसाइल दागी है उन्होंने, समय से पहले दागी है, वीकेंड नहीं है, अभी दूर है, दूर है, ठीक है। टाइमिंग वाइज एक तो गलत है, और दूसरी बात ये कि दुनिया देखिए परवाह नहीं कर रही उस चीज़ की। एशियन मार्केट्स में तो इसका बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो मिसाइल दागी गई है इस बार, इसकी जो रेंज बताई जा रही है वो 1000 किलोमीटर की है। लेकिन चिंता की बात अगर इसमें कोई देखे ना रजत, इसकी जो रेंज है ना वो एक्चुअली 13,000 किलोमीटर तक की है। जिस तरह से इसे प्रोजेक्ट किया गया था उस वजह से ये 1000 किलोमीटर की दूरी पर गिरी है। लेकिन अगर इसे इसकी जो ट्रैजेक्टरी है इसे सीधा प्रोजेक्ट किया जाता तो इसकी जो रेंज है वो 13,000 किलोमीटर तो वाशिंगटन तक पहुंच जाएगी। एग्जैक्टली, वो जो वाशिंगटन डीसी तक पहुंचने की बात है ना, वो चिंता का विषय है। ये उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड माउंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक देखने लायक बात है, वो शायद एक्सपर्ट्स मानते नहीं हो सकता। लेकिन इतनी दूरी तक अगर ये पहुंच सकते हैं तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उसके ऊपर देखिए डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी आई है, उनका ये कहना है कि हम उसे हैंडल कर लेंगे। लेकिन चिंता इसमें केवल यही है कि इनकी जो पहुंच है ना वो बढ़ती जा रही है। नहीं, उन्होंने बोला कि सैंक्शंस ऑलरेडी लगा दिए नॉर्थ कोरिया पे, और स्ट्रिक्टनेस करने की जरूरत है। ये सैंक्शंस लगा देंगे तो मिसाइल छोड़ने से मना नहीं कर पाएंगे ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन आज जो एशियन क्यूज़ संदीप बात कर रहे हैं, देखिए एसजेक्स निफ्टी ऊपर है, ये पॉजिटिव। और कल बाजार लेटर हाफ में थोड़ा स्लाइड हुआ था, लेकिन आज हो सकता है कि शुरुआती टिक्स फिर से पॉजिटिव पड़ जाएं। एक्सपायरी नजदीक है, उससे पहले ट्रेडर्स अभी तक ग्रिप नहीं छोड़ रहे हैं। एसजेक्स निफ्टी 10,400 के पार है। ऊपर से एशियन मार्केट्स, तमाम एशियन मार्केट्स देखिए आप, निके ऊपर, स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट टू पॉजिटिव, शंघाई कॉम्पोजिट पर कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं। इसके अलावा कॉस्पी जो है वहाँ पर हल्की बायसनेस, तेजी की बायसनेस देखने को मिल रही है। और ये जो US मार्केट्स हैं ये खुद कल 0.5% से 1% के गेंस दिखाते हुए नजर आए। डाउ जोन्स 255 पॉइंट्स के गेंस के साथ बंद हुआ, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। और अगर देख लीजिए, इसमें और जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो आज मिसाइल टेस्ट हुआ है ना, इसकी खबरें कल बाजार में ऑलरेडी थी, मार्केट्स फैक्टर करके चल रहा था, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें थी कि मिसाइल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो शायद ये भी एक कारण है कि शायद इसको कल ही मार्केट्स ने पचा लिया था, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, या यूएस के मार्केट्स हो। इस वजह से आज आप देखिए इसका जो रिएक्शन है वो नेगेटिव। तो फिर तेजी के स्वाद एडवाइजेबल होंगे, मेरी तो पूरी शीट में आपको तो वैसे भी तेजी के रीजन चाहिए होते हैं। चलिए, मेरे को आज रीजन मिल गया, एशियन सेटअप पॉजिटिव है और तेजी की शुरुआत होगी। लेकिन कुछ फटाफट से काउंटर्स आपको बता दें जो बीते सत्र में आपको बताया गया था, जहां पर एक्शन जो है वो तेज होता हुआ नजर आया। कोल्टे पाटिल 11% की तेजी के साथ बंद हुआ। यहां तो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी अब निकल आई, इन स्तरों पर भी 360 का लक्ष्य था उसको ओवरशूट कर गया। इसके अलावा रैलिस एक और स्टॉक 5% की मजबूती, 245 रुपये पे बंद हुआ। 245 का टारगेट दिया गया था उसको उसने हासिल किया। IGL एक और स्टॉक, सुबह से ही एक्टिविटी तेज थी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में, कल दिन था इन कंपनियों का, 325 का टारगेट उसी के आसपास की क्लोजिंग IGL पे दिखाई दी। साथ ही साथ टेलब्रोस ऑटो कमाल कर गया, 17% के गेन, 261। संदीप खुश हो रहे हैं, मेरे को पता है संदीप की शीट में होगा ये टेलब्रोस ऑटो, अच्छे गेन्स, 294 रुपये की क्लोजिंग है, ओवरशूट किया इसने टारगेट को। एरिस लाइफ साइंसेज, ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट पॉजिटिव, रिएक्शन देखिए 9% की तेजी। तो कुछ ऐसी स्टॉक्स बताने की कोशिश करेंगे आज भी जो दिन भर एक्शन में रह सकते हैं। PNC इंफ्रा को भी सूची में जोड़ लीजिए, कल इसने भी टारगेट हासिल किया है। शुरुआत तेजी के सौदे के साथ ही करेंगे संदीप। बिल्कुल, तेजी के सौदे के साथ ही करना चाहूंगा। ये जो आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना, देखिए अच्छा न्यूज फ्लो होता है, अच्छे वैल्यूएशंस होते हैं, और ऐसे पॉकेट्स अगर आप टारगेट करते हैं जहाँ पे मार्केट का ज़्यादा फोकस है, जैसे कि मार्केट आप देखिए बहुत फ्लैट है, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ पे एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उन पॉकेट्स को आप टारगेट कीजिए। और आज भी वहीं पे फोकस करने की कोशिश मैं भी करूँगा। टेक्नोफैब इंजीनियरिंग एक स्टॉक है जिस पर आज आप नज़र रख के चल सकते हैं। एक छोटी कंपनी है, 250 करोड़ रुपये के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन देखिए कल एक 281 करोड़ रुपये का ऑर्डर इस कंपनी के हाथ लगा है, जो कि जो कुल मार्केट कैप है उससे भी ज़्यादा बड़ा साइज़ है। इनफैक्ट अगर आप देखें घरेलू वाटर सेक्टर में ये जो ऑर्डर है वो कंपनी के हाथ लगा है, तो मार्केट कैप से ज़्यादा का ऑर्डर मिला है। तो मुझे तो लगता है कि अगर ये 10-15-20% तक भी चले तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मैंने 10% ऊपर के टारगेट दिए हैं, 265 तक की चाल आज देखने को मिल सकती है। 238 का स्टॉप लॉस लगा के ऑर्डर विन की खबरों के चलते स्टॉक में आज आप तेज़ी करके चल सकते हैं। इसके अलावा JP समूह के स्टॉक्स, खासतौर पर JP एसोसिएट्स, इस पर भी आज आप नज़र रख के चलें। हो सकता है कि यहाँ पर जो चाल है वो आज पॉजिटिव साइड पर देखने को मिले। लंबी अवधि के लिए कोई खरीदारी की सलाह नहीं है, लेकिन हाँ इंटरडे बेसिस पे हो सकता है कि आज जो मूव है JP एसोसिएट्स और बाकी जो ग्रुप कंपनीज हैं उनमें पॉजिटिव देखने को मिले। दरअसल इन्होंने 2017 के जो बॉन्ड्स है उसका एक्सचेंज ऑफर पूरा किया है, करीब $15 करोड़ के बॉन्ड्स थे जिनका इन्होंने एक्सचेंज ऑफर पूरा किया है, और एक्सचेंज ऑफर के तहत इन्होंने अपफ्रंट भुगतान कर दिया है। देखिए ये कंपनी कर्ज से जूझ रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, अगर ये अपने बॉन्ड्स को या इनकी कोई भी जो देनदारी है उसका ये भुगतान कर पाते हैं, अपफ्रंट पेमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये इंडिकेट कर रहा है
है कि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो शायद धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका जो वित्तीय संकट है पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह से इन्होंने भुगतान किया है ये अपने आप में इंडिकेशन है कि शायद दे आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द वुड्स। तो वो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये कंपनी धीरे धीरे अब नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रही है। इस उम्मीद में हो सकता है कि आज सेंटिमेंट इस स्टॉक को ऊपर की ओर ले जाएं। आज के लिए जो टारगेट प्राइस होगा 20 का होगा, 18.40 का स्टॉप लॉस रखें। अजय, आपकी नजर कहाँ? डेरिवेटिव एक्सपायरी नजदीक है और कैस्ट्रॉल चुना गया है डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है, लेकिन मैं ये बता दूं इस पूरे ही साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो है 6% और कल स्टॉक चढ़ा है 2%, यानी कि यहाँ पर जो तेजी है वो हो सकता है कि अभी और बढ़ जाए। अच्छी तेजी का लेटर हाफ में बनती हुई नजर आई थी और दिन के उच्चतम स्तर के आसपास की क्लोजिंग थी। बहुत समय बाद एक अच्छा सेटअप है, 398 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 411 तक की चाल कैस्ट्रॉल पे एक्सपेक्टेड है और एक्सपायरी तक भी अगर होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिलने चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप पोजिशनल बेसिस पे भी कैस्ट्रॉल पे लगा सकते हैं। एक अच्छा मूव कल के सत्र में बना और चार्ट बहुत इंप्रूव होते हुए नजर आए। इसके अलावा एक और स्टॉक है वो है MCX, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है, बहुत समय से यहाँ पर रिटर्न्स नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आ रही है वैसे वैसे स्टॉक पे जो चाल है वो और तेज हो रही है। कल भी शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक पे देखने को मिली और दो दिन से लगातार तेज हो रहा है। एक्सपायरी का हफ्ता है, कुछ ऐसे कैंडिडेट जहां पर सेटअप स्ट्रांग है उसी को ट्रेडर्स चेस करने की कोशिश करेंगे। आज 1010 तक का टारगेट MCX पर और स्टॉप लॉस 970 से 972 के रेंज पर आपको लगाना होगा। मैं फिर कह दूं शॉर्ट कवरिंग स्टॉक पे देखने को मिल रही है और वैसे भी ये जो ऑप्शंस हैं गोल्ड ऑप्शंस बहुत बड़ा बूस्टर डोज है MCX के रेवेन्यू, विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, इसके चलते हो सकता है पोजीशन भी काफी अट्रैक्टिव बेट साबित हो। MCX FNO का हिस्सा भी है क्या? FNO का स्टॉक मैं इसे बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूं, आप FNO को ध्यान से देखते हैं क्योंकि ये आप जो शॉर्ट कवरिंग की बात करें तो ये तो फिर FNO साइड में होगा तभी देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट ये सीरीज में ये टूटा था, ये सीरीज जब स्टार्ट हुई थी तब से टूट रहा था। मुझे याद है आपने DLF भी बताया था शॉर्ट कवरिंग का ही कैंडिडेट, दो दिन में काफी अच्छी तेजी उस काउंटर में भी देखने को मिली है। जो मेरी लिस्ट में अगला स्टॉक है वो है PNB हाउसिंग फाइनेंस का। इस स्टॉक पे भी आप नजर रख के चले, दो दिन से न्यूज फ्लो में है। कल PNB इनके जो पेरेंट है उन्होंने जो OFS है उसकी शुरुआत करी है। कल नॉन रिटेल साइड के लिए जो OFS है वो खुला था और जो रिस्पॉन्स आया ना वो ओवरवेलमिंग है। देखिए 142% यानी कि 1.42 गुना वो जो हिस्सा है नॉन रिटेल का वो सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 1325 रुपये का फ्लोर प्राइस था, उसके मुकाबले जो बोलियां आई हैं वो 1336.63 रुपये पर आई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का इंटरेस्ट इस कंपनी में जो बड़े निवेशक है नॉन रिटेल पोर्शन है उनमें देखने को मिला है। और कल ऑलरेडी अगर आप देखिए इसी एंटिसिपेशन में कि जो OFS का फ्लोर प्राइस था वो नीचे सेट किया गया था, डिस्काउंट पे दिया गया था, स्टॉक में 3% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। जिस तरह का रिस्पॉन्स नॉन रिटेल साइड से आया है और वैसे भी जिस तरह की गिरावट हो चुकी है आज हो सकता है एक पुल बैक एक बाउंस बैक इस स्टॉक में देखने को मिले। 1380 तक की जो चाल जो कि कल का इसका हाई था वहां तक स्टॉक जा सकता है। एक 1330 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, इसमें भी आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी रियल एस्टेट कंपनी है हापटाउन, इस पर भी आज आप नजर रख के चलें। देखिए जब से ये अफोर्डेबल हाउसिंग वाली खबर आई है, कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया था कुछ और छूट दी थी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके, कोल्टे पाटिल पूर्वांकरा ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिनमें हमने देखा काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिला है। हापटाउन ने अभी तक देखें तो इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये भी अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़ी हुई कंपनी है। और कल अगर आप देखें कुछ बड़ा फंड एक्शन इसको स्टॉक में देखने को मिला है। दो बड़े फंड्स हैं, एक तो नमूरा सिंगापुर, उन्होंने 0.6% हिस्सेदारी 4.1 लाख शेयर्स अक्वायर करे हैं 130 रुपये प्रति शेयर पर, और एक इपोक सिंथेटिक्स ने करीब 5.25 लाख शेयर अक्वायर करे हैं जो कि 0.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। ये 128.55 रुपये के आसपास शेयर्स अक्वायर किए गए हैं। देखिए जिन लेवल्स के आसपास नमूरा सिंगापुर जो कि बड़ा नाम है उन्होंने शेयर्स अक्वायर किए हैं उसके नीचे के लेवल पर आपको फिलहाल स्टॉक अवेलेबल है। तो आप चाहें तो स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं इसी उम्मीद में कि कुछ बड़े फंड हाउसेस अब इस कंपनी को लेके पॉजिटिव टर्न होने लगे हैं। तो हापटाउन में आज के लिए खरीदारी करें तो 135 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। अगर आपको ये लेवल स्क्रीन पर दिखें तो फर्दर अपसाइड के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके, लेकिन शुरुआती कारोबार में 128 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। नेक्स्ट स्टॉक है मैग्मा फिनको, आप देखिए स्टॉक में अब तेजी और एक्शन स्ट्रांग हो रहा है। 5 दिनों से लगातार कंसोलिडेशन में था लेकिन उसके बाद एक पुल बैक दिखाया और वैसे भी बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है फाइनेंशियल सेक्टर में NBFC स्पेस में ट्रेडर्स की। ये स्टॉक तेज हो सकता है, इसको अपने रडार पर रखें। 171 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अच्छे फंडामेंटल्स हैं। 179 का सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से टारगेट होगा लेकिन पोजिशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव बेट जो है वो मैग्मा निकल के आ सकती है। आज तेजी का सेटअप है स्ट्रॉन्ग इस स्टॉक में। दूसरा सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये जो मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर से जो IT प्ले है वो स्ट्रांग होता चला जा रहा है और ऊपर से दिग्गजों के मुकाबले जो छोटे स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए आप चार्ट, लगातार नए लेवल्स जो है वो स्टॉक छूटता चला जा रहा है। Q2 नतीजे बेहतर रहे थे, वॉल्यूम ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, 4.5% की तेजी कल के सत्र में बनी। आज अगर चला तो 242 से 245 तक के टारगेट रहेंगे और 234 ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। तेजी तभी बनाएं जब 237 के ऊपर ये स्टॉक निकले। चलिए तो 8 शेयर आपको बता दिए गए हैं, सभी ट्रेड्स खरीदारी के हैं, मैंने और रजत ने आपको सभी खरीदारी के ट्रेड्स बताए हैं। अब जान लेते हैं आज के EPS शेयर भी।
बतौर ईपीएस शेयर मैंने शामिल किया है कोकुयू गैम्बलिन। देखिए कल के सत्र में सेटअप बहुत स्ट्रांग था, तेजी बन गई, लेकिन ये जो एजुकेशन सेक्टर है ये चल पड़ा है और यहाँ पर एक ऐसा सेक्टर जहाँ पर बहुत समय से रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे वहाँ पर रिटर्न मिलने शुरू हुए हैं। 2008 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर बंद हुआ, बीते 8 दिनों में लगभग 50% की डिलीवरी वॉल्यूम, क्वार्टर 2 में घाटे से मुनाफे में आई कंपनी और प्रमोटर हिस्सा स्ट्रांग है, लगभग 75% की तो प्रमोटर हिस्सेदारी ही है। कल 8% का मूव दिया लेकिन यहाँ पर सेटअप के हिसाब से अब हो सकता है कि 140 तक के टारगेट दिखा दे आपको। आज भी समझता हूँ मैं कि यहाँ पर तेजी का सेटअप है, मूव पॉजिटिव ही बनेगा, कोई डिप आ गई तब भी ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। 123 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा और अगर ये स्टॉक 126 और 127 के ऊपर शुरुआती सत्र में मेंटेन कर जाता है तभी अपनी पोजीशंस बनाए, अट्रैक्टिव प्ले है, पोजिशनली काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकते हैं। इनफैक्ट ये एजुकेशन, रेल, इंफ्रा से जुड़े जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें काफी अच्छा रुझान देखने को मिल भी रहा है। इन एंटीसिपेशन की बजट में कुछ बड़े ऐलान इन सेक्टर्स को देखने को मिल सकते हैं। एक स्पेस जिसमें अभी तक रैली नहीं आई है वो है डिफेंस स्पेस का, एक स्टॉक मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। लेकिन मैंने जो आज के लिए ईपीएस शेयर चुना है वो फार्मा स्पेस की कंपनी है एलकेम लैब, इस स्टॉक पे आज आप नजर रख के चलें। दो मेन ट्रिगर्स हैं जिस वजह से इस स्टॉक में आज हो सकता है कि बड़ा मूव देखने को मिले, जिस वजह से मैंने इसे ईपीएस का दर्जा दिया है। इनफैक्ट यूएस एफडीए से इनको एक एनडीए मंजूरी मिली है, इनकी कैंसर की दवा है, मैं उसका नाम नहीं ले पाऊंगा रजत, मुझे नहीं पढ़ना आ रहा उसका नाम, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका जो इलाज इस्तेमाल है वो कैंसर के इलाज में होता है, तो ये तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है ही है। लेकिन उसके साथ साथ मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने इनको अपग्रेड किया है, इनकी जो रेटिंग थी पहले न्यूट्रल थी अब उसे बढ़ाकर उन्होंने बाय किया है, और जो टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं वो 2500 रुपये का दे रहे हैं, यानी कि मौजूदा लेवल से 500-525 रुपये के आसपास का अपसाइड है, यानी कि 25-26% के आसपास की अपसाइड मौजूदा लेवल से भी इस काउंटर से मोतीलाल ओसवाल मानता है कि देखने को मिल सकती है। कल अगर आपको याद हो तो जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात आप रजत कर रहे हैं उसमें IGL और गुजरात गैस दो ऐसी कंपनियां जिनको मोतीलाल ओसवाल ने अपग्रेड किया था, उनकी रेटिंग बढ़ाकर बाय और टारगेट प्राइसेस इंक्रीज किए थे, और स्टॉक्स का आपने रुझान देखा कैसा देखने को मिला, आज वैसा ही ट्रेंड मुझे लगता है कि एलकेम लैब्स में देखने को मिल सकता है, कम से कम 5% के आसपास का मूव तो आएगा मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए मैंने 2066 तक के जो टारगेट्स हैं वो सुझाए हैं। अगर इसके ऊपर की चाल भी आती है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, लेकिन शुरुआती कारोबार में 1950 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए थे, सभी ट्रेड्स अभी तक आपको खरीदारी के बताए गए हैं। टेक्नोफैब इंजीनियरिंग एक बड़ा ऑर्डर मिला है, मार्केट कैप से ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है इस कंपनी को, आज तेजी रह सकती है, 265 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। जेपी एसोसिएट ने अपने 2017 के बॉन्ड्स के लिए अपफ्रंट पेमेंट किया है, पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, 20 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। पीएनबी हाउसिंग कल नॉन रिटेल के लिए जो ओएफएस खुला था उसमें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, आज एक बाउंस बैक आ सकता है, 1380 का टारगेट प्राइस लेकर खरीदारी करें। अपटाउन में दो बड़े फंड हाउसेज ने बड़ी खरीदारी करी है, आज 135 रुपये की टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। और बतौर ईपीएस मैंने एलकेम लैब्स को उतारा है, एक तो कैंसर की दवा को मंजूरी मिली है, मोतीलाल ओसवाल ने अपग्रेड भी किया है स्टॉक को, रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर बाय की है, आज 2066 का टारगेट प्राइस, 1950 का स्टॉप लॉस। कैस्ट्रॉल होगा पहला शेयर मेरे पोर्टफोलियो में तेजी की सलाह, यहाँ पर 411 का एक टारगेट रहेगा, 398 का एक स्टॉप लॉस, तेजी का सेटअप कल दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग थी। MCX चल पड़ा है एक्सपायरी से पहले, शॉर्ट कवरिंग है, अब 1000 के ऊपर के टारगेट्स लग सकते हैं आप, 970 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। फाइनेंशियल सेक्टर पे मैग्मा फिनकॉप पे बेट लगाएं, 179 का टारगेट, 171 का स्टॉप लॉस। सोनाटा सॉफ्टवेयर SME स्मॉल कैप मिड कैप IT प्ले हो रहा है मार्केट पे, 242 के टारगेट के लिए अप्रोच करें, स्टॉप लॉस 234 का होगा। और बतौर ईपीएस शेयर कोकुयू गैम्बलिन कल भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए, आज भी चल सकता है, 140 तक के टारगेट्स और 123 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना। चलिए 10 स्टॉक्स आपको बता दिए हैं, सभी ट्रेड्स खरीदारी के हैं, उम्मीद है कि बाकी जो 10 स्टॉक्स हैं जो ब्रेक मेरे खरीदारी के, आगे बढ़ते हैं अगले भी तेजी के ही स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में। शुरुआत मैं करता हूं आशयपुरा माइन कैम से, इस स्टॉक में कल के सत्र में भी एक्शन था, हो सकता है कि आज के सत्र में भी एक्शन बढ़ जाए, क्योंकि 70% बीते कुछ अगर दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो पॉजिटिव ही है और 20 सत्रों में लगभग 70% के रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है, मंथली ब्रेकआउट है स्टॉक पे, और वैसे भी ये जो माइंस से जुड़ी जो कंपनी है वहां पर एक्शन हो सकता है कि स्ट्रांग होता हुआ नजर आए। 3% की मजबूती कल, आज टारगेट रखें 104 का, स्टॉप लॉस 97 तक का कैरी करना होगा, तेजी बढ़ सकती है, इसको अपने रडार पर रखें इस हफ्ते। साथ ही साथ RG's कल बहुत समय बाद फिर से लेटर हाफ में इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स मिले, दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग थी, और जब चलता है तो कंजर्वेटिव यहां पर रिटर्न्स मिलते हैं लगातार दो ट्रेडिंग सेशन में। RG's देखिए बहुत वोलेटाइल है, यहां पर डिपेंडेबल नहीं है, यहाँ पर एक तेजी बनती है उसके बाद ट्रेडर्स हाई लेवल पे इस पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, तो इसलिए आपको स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे, 3175 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। ये कल के सत्र में जो तेजी पकड़ी उसकी एक मोमेंटम कॉल है जो इसको 34 तक ले जा सकती है, अपने प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा या फिर अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए, तेजी तभी बनाएं जब 32-35 के ऊपर ये स्टॉक निकले, स्मॉल कैप कंपनी, आज के लिए टारगेट है 34 का।
कोल इंडिया एक स्टॉक है जिस पे आप नजर रख सकते हैं। लंबे समय के बाद मेरे रडार पे ये स्टॉक आया है। देखिए काफी अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने इंडेक्स को, क्योंकि कई सारी दिक्कतें थी इस कंपनी को लेके। प्रोडक्शन के टारगेट्स कई बार मीट नहीं कर पाती थी। वेज रिवीजन जो हो रहा है वो एक नेगेटिव लगातार स्टॉक के साथ जुड़ा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने अपग्रेड किया है इसको। उनका कहना है कि जो रेटिंग है उन्होंने न्यूट्रल से बढ़ाकर आउट परफॉर्म की है, और जो टारगेट प्राइस है उसको भी इंक्रीज़ किया है। पहले 280 रुपये का टारगेट प्राइस था, अब उसे सीधे बढ़ाकर 310 रुपये किया है। यही कारण है कि आज स्टॉक में हो सकता है काफ़ी अच्छा जो गेंस है वो बनते हुए दिखें। इनफैक्ट मैक्वेरी की रिपोर्ट में एक चीज़ तो साफ है, उनका यह कहना है कि जिस तरह की सिचुएशन अब है इस कंपनी की, अब जिस तरह से कंपनी प्रोडक्शन के जो टारगेट्स हैं वो मीट करना शुरू कर चुकी है, जो रिस्क रिवॉर्ड है इन लेवल्स के आसपास स्टॉक को लेकर अब फेवरेबल नजर आ रहा है, जिस वजह से रेटिंग भी बढ़ाई गई है और टारगेट प्राइस को भी इंक्रीज किया गया है। इसी रिपोर्ट के दम पे हो सकता है कि आज इसमें तेजी देखने को मिले। 285 तक के जो जोन है वो देखने को मिल सकते हैं। 272 रुपये का स्टॉक का लगा के कोल इंडिया में भी खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा ADF फूड्स एक और स्टॉक है जिसमें हो सकता है कि आज तेजी के सौदे पड़ते हुए दिखें। इनफैक्ट इसके नंबर्स आए हैं, मुनाफा देखिए 90% बढ़कर 6 करोड़ रुपये के आसपास देखने को मिला है। आय इनकी 3% गिरी है, लेकिन जो बिड्डा है उसमें 24% के आसपास की बढ़त आई। और सबसे अच्छी बात है कि जो मार्जिन इंप्रूव हुए हैं उस वजह से मुनाफे में बढ़त आई है। 10% के कम के मार्जिन से अब 12-13% के आसपास के जो मार्जिन है वो इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तो अच्छे ऑपरेशनल नंबर्स की वजह से मुनाफे में भी 90% के आसपास की ग्रोथ आई है। तो नंबर्स को बाजार अगर पसंद करेगा तो हो सकता है कि आज जो मूव है स्टॉक को 305 तक लेके जाता हो दिखे। एक 287 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं स्ट्रिक्टली बेसिस पे, नंबर्स के दम पे तेजी करके चलें 305 का टारगेट पर। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टॉक है ना उसके लिए मैं पूरे सेक्टर के लिए पहले क्रेडिट दूंगा। जी बिजनेस सबसे पहले बताया था कि चाय कॉफी शेयर में तेजी आएगी, तब कोई बात ही नहीं कर रहा था इस सेक्टर के लिए, आप ही ने बताया था। हाँ, फास्ट मनी में खेलने का मौका मिला था, फास्ट मनी 10 में, जिसमें 5 स्टॉक्स बताता है हर कोई। मैंने एक ही दिन में 2 स्टॉक्स उठा लिए थे, हैरिसन और जयश्री टी, जिसमें मैं समझ रहा था कि तेजी बनेगी, और तब तेजी शुरू नहीं हुई थी, और उसके बाद से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं एकदम से। आपने पार्टी जल्दी शुरू कर दी थी। नहीं, पर इतनी बड़ी तेजी बन जाएगी ये एक्सपेक्टेड नहीं थी। यहाँ पर एक ट्रेडिंग कॉल होती है, लेकिन ये तो पोजिशनली चल पड़े स्टॉक्स। कल तो हैरिसन मलयालम में 20% का सर्किट लग गया, अभी भी तेजी बन सकती है। देखिए अभी जब तेजी हुई है तो ये ग्रिप नहीं छोड़ेंगे ट्रेडर्स आसानी से। अब टाटा फ्राइडे को मुझे याद है आप कुछ चार्ट देख रहे थे, आप कह रहे थे कि ये वीकली क्लोजिंग हो रही है तो वीकली बेसिस पे अच्छे चलेंगे। अब क्या ट्रेंड है? अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। देखिए कोई ट्रेंड ऐसा होता है तो कोई डिप आ जाए तो वो तो मौका होता है खरीदारी करने के लिए, पर मैं समझता हूँ कि मोमेंटम कॉल है उसको उठा सकते हैं। टाटा ग्रुप के दोनों ही स्टॉक्स तेज हैं, टाटा कॉफी और टाटा ग्लोबल। टाटा कॉफी अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पर टारगेट आप 180-181 तक के रख सकते हैं, 172 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। फिर कह दूं चाय कॉफी शेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई भी डिप आ गई ना किसी भी हफ्ते तो उसको ट्रेडर्स पोजिशनल बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करेंगे। इन स्टॉक्स को रडार पर रखें और किसी भी डिप की अपॉर्चुनिटी समझें अगर आपको फिर से मौका मिल गया खरीदारी करने का। तो दूसरा लॉजिस्टिक शेयर चल पड़े कल से लोअर लेवल्स पे, उसमें एक शिपिंग से जुड़ी कंपनियां भी चली, श्रेयस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। इस स्टॉक पे आप बेट लगा सकते हैं आज के सत्र में। देखिए यहाँ पर क्वार्टर टू नतीजों में एक सुधार देखने को मिला था, नतीजे लगातार बेहतर पोस्ट कर रही है कंपनी, ऊपर से 2 साल की ऊंचाई पर यह कारोबार कर रहा है। 604 के आसपास की क्लोजिंग है, इसमें आप बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए 600 के आसपास का, और 630 तक के जो टारगेट हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तेजी का सेटअप आज 605 के ऊपर ही पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। नतीजे बहुत शानदार थे इस कंपनी को, उसके बाद से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अगला स्टॉक या तो फिर अगले दोनों स्टॉक जो मेरी लिस्ट में वो ऑटो एंसिलरी प्ले के हैं। देखिए शुक्रवार को नवंबर बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं और उम्मीद ये है कि इस बार भी जो नंबर्स हैं ऑटो बिक्री के वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट कल मैंने आपको याद हो तो फास्ट मनी 10 में सुब्रॉस को उतारा था, उस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छे जो गेंस हैं वो बनते हुए दिखे थे। और जो खास तौर पर जो छोटी कंपनियाँ हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में, इसमें भारत गियर्स एक नाम है, उसमें आज आप ध्यान रख के चल सकते हैं। देखिए पूरा जो प्रीमाइस है वो इस तरह से है कि ये जो आखिरी के महीने होते हैं साल के, नवंबर या दिसंबर की बात कीजिए, तो इन सीजन्स में अगर आप देखें तो जो डीलर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी ओर से जो डिस्काउंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि लास्ट के महीनों में ज़्यादातर कोई गाड़ी लेना पसंद करता नहीं है। लेकिन चूंकि डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा डोल आउट किए जाते हैं तो जो मांग है उसमें एक इजाफा देखने को मिलता है। तो अगर गाड़ियों की मांग में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है जो ऑटो एंसिलरी एज़ अ प्ले है उनकी मांग में भी इजाफा होगा, और उसका जो रिफ्लेक्शन है हम बीते 1-2 क्वार्टर से नंबर में देख भी रहे हैं। तो हो सकता है कि अब जो Q3 के नंबर्स आएंगे वो भी काफी पॉजिटिव रहे। इसी उम्मीद में आप देखिए इस पूरे स्पेस में खरीदारी देखने को मिल रही है। भारत गियर्स में आज हो सकता है 200 रुपए तक के टारगेट देखने को मिले, 190 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसको रजत भी काफी पसंद करते हैं, वो है मेनन बेयरिंग्स का। कल इनफैक्ट अगर आप देखें एनआरबी बेयरिंग्स की बात हो रही थी फास्ट मनी 10 में, जिनकी बात कर रहे थे, लेकिन ये बेयरिंग स्पेस में ये कंपनी ऐसी जिसके वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं इन लेवल्स के आसपास भी। आज के लिए जो टारगेट प्राइस होगा वो 95 रुपीज का होगा, 90 रुपए 30 पैसे ये आपका दिन के दौरान स्टॉप लॉस होना चाहिए। चले, लेकिन दो ऐसे शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकते हैं आज के सुपर हिट शेयर्स देखते हैं।
वरुण बेवरेजेस होगा शेयर जहां पर आप तेजी बना सकते हैं। एक तो कल के सत्र में जो डिप आई ट्रेडर्स को यूज करेंगे खरीदारी करने के लिए, ऊपर से ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर है। आईसीआईसी डायरेक्ट की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने फेयर वैल्यू जो आंकी है वरुण बेवरेजेस की, वो है 590, फिलहाल चल रहा है 506 के जोन पे। अब समझ सकते हैं स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल है स्टॉक में, इस स्टॉक में नतीजे बेहतर रहे थे और घरेलू खपत से जुड़ी जो कंपनी है वो इस समय रडार पर है। 500 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस और आज पहला टारगेट जो होगा वो 530 तक का देखने को मिल सकता है। वरुण बेवरेजेस आज का सुपर हिट शेयर। डिफेंस स्पेस की कंपनी है एस्ट्रा माइक्रो, इनफैक्ट डिफेंस और टेलीकॉम दोनों स्पेस की कंपनी है जिसमें आज हो सकता है कि काफी अच्छे रुझान देखने को मिले। देखिए कल इसमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था, डे हाई के आसपास से स्टॉक बंद हुआ और औसत के मुकाबले 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स इस काउंटर में देखने को मिल रहे थे। Q2 के नंबर काफी स्ट्रांग थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.5 गुना के आसपास की बढ़त मुनाफे में देखने को मिली थी। और रजत आप ब्रेक से पहले कह भी रहे थे कि जितने भी को पता नहीं था कि आपने डिफेंस में वाली कंपनी चुनी है, मैं तो कल लेट रहा, मैं सिर्फ चार्ट देख रहा था। आप कह रहे थे कि रेल, इंफ्रा, एजुकेशन, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जिनमें ऑलरेडी काफी अच्छा रन अप देखने को मिल चुका है। इन एंटीसिपेशन की बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आप डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसको ना भूल के चलिए, यहाँ पे भी हो सकता है काफी अच्छे ऑर्डर्स देखने को मिले। कल ही इनफैक्ट एक BEL के ऊपर ना एडवाइस की रिपोर्ट आई थी, वो कह रहे थे कि 2 से 3 साल में 70,000 करोड़ रुपए तक के जो ऑर्डर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो डिफेंस में इनका भी काफी बड़ा पार्टिसिपेशन है। वैसे भी प्रोमोटर होल्डिंग महज 15.5% की है, तो एक सॉफ्ट टेक ओवर टारगेट भी है ये कंपनी। तो उस लिहाज से देखा जाए कई सारे ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं और आप कह भी रहते हैं कि अभी भी चलना शुरू हुआ, हो सकता है जो तेजी है वो और भी कैरी फॉरवर्ड होती है। देखिए आज के लिए 138 रुपए का टारगेट प्राइस होगा, 124 के आसपास का आपको इसमें स्टॉक कर सकना होगा। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए थे। तमाम स्टॉक्स जो हैं आज खरीदारी के बताए गए थे। टेक्नोफैब इंजीनियरिंग से मैंने शुरुआत करी, एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगाए, मार्केट कैप के मुकाबले 265 का टारगेट प्राइस होगा। JP एसोसिएट ने अपने बॉन्ड्स का भुगतान किया, अपफ्रंट पेमेंट किया है, पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है 20 रुपए का टारगेट लेकर खरीदारी करें। PNB हाउसिंग कल जो OFS बंद हुआ है नॉन डिटेल के लिए, जबरदस्त रिस्पॉन्स था, आज बाउंस बैक आ सकता है स्टॉक में, 1380 का टारगेट प्राइस होगा। अपटाउन में कुछ दो बड़े फंड हाउसेज की ओर से खरीदारी हुई है, आज उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन रहा तो 135 तक की चाल देखने को मिल सकती है। एल्कम लैब बतौर EPS मैंने शामिल किया है, एक तो कैंसर की दवा को ANDA मंजूरी आई है, उसके साथ साथ मोतीलाल ने इसे अपग्रेड किया है, आज 2066 का टारगेट प्राइस होगा। इसके अलावा कोल इंडिया, यहाँ पे भी मैक्वेरी ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, हो सकता है आज पॉजिटिव चाल देखने को मिले, 285 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ADF फूड के नंबर शानदार आए, 90% मुनाफा बढ़ाया, 305 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। दो ऑटो एंसिलरी प्लेस नंबर्स आने से पहले ऑटो बिक्री के, भारत गियर्स और मैनन बेयरिंग, भारत गियर्स में 200 रुपये, मैनन बेयरिंग में 95 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। और बताओ सुपरिट एस्ट्रा माइक्रो डिफेंस स्पेस की कंपनी है, आज 138 का टारगेट प्राइस, 124 का स्टॉप लॉस रखें। डेरिवेटिव एक्सपायरी नजदीक है, पहले दो शेयर्स डेरिवेटिव मार्केट से ही, कैस्ट्रॉल आज का टारगेट है 411, स्टॉप लॉस 398। MCX पर बेट लगाते हैं तो 1010 का टारगेट रहेगा, 970 का स्टॉप लॉस। मैग्मा फिनकॉर्प आज के लिए टारगेट है 179, स्टॉप लॉस 171। सोनाटा सॉफ्टवेयर तेज चल रहा है स्टॉक, और स्मॉल कैप और मिड कैप IT प्ले स्ट्रॉन्ग है अभी, 242 से 245 तक का टारगेट रखें आज। कोकुयो कैम्बलिन कल भी स्ट्रॉन्ग मूव था, आज भी चल सकता है, 140 तक का टारगेट रडार पर रखें, 123 का स्टॉप लॉस। आशापुरा माइन केम आज खरीदते हैं तो 104 तक के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 97 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेड पे लगाएं। आरजीज और टाटा कॉफी दोनों ही स्टॉक पे खरीदारी की सलाह रहेगी, तेजी का सेटअप है और वैसे भी ये जो चाय कॉफी शेयर्स हैं बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं मार्केट को। टाटा कॉफी आज का टारगेट है 180, स्टॉप लॉस 172। श्रेया शिपिंग का लेटर हाफ में तेजी बनी, अब टारगेट 630 तक का रख सकते हैं, 600 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और वरुण बेवरेजेस ICICI डायरेक्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर चलेगा आज, 530 का टारगेट रहेगा और 500 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा।